करीब 2500 साल पहले बनारस की इन्हीं ऐतिहासिक गलियों में रहने वाले महर्षि सुश्रुत ने पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। यही वजह है उन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मानते हैं। सुश्रुत जो थे एक बहुत ही महान ऋषि थे और निश्चित रूप से एक बहुत ही महान सर्जन भी थे, और हिंदुस्तान में जो भी भारत में जो भी सर्जरी का विकास हुआ प्राचीन काल में वो सुश्रुत के कारण हुआ। सुश्रुत का ज्ञान हमें उनके लिखे ग्रंथ में मिलता है जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है, और ये वाकई किसी खजाने से कम नहीं। इसमें हमें मिलते हैं घाव को ठीक करने के 60 तरीके, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स जिन्हें 8 कैटेगरीज में बांटा गया है, और इन्हीं में से एक है राइनोप्लास्टी, जिसे आमतौर पर नोज जॉब भी कहा जाता है। पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में नाक कान काटकर अपमानित करने की सजा बहुत दी जाती थी, तो या कभी कभी चोट से या रोग से भी नाक क्षतिग्रस्त हो जाती थी, तो लोग सुश्रुत के पास जाते थे नाक को बनवाने के लिए। तो नाक को बनाने के लिए वो एक पीपल के पत्ते का लेके नाक पर रखते थे और नाक के आकार का काट लेते थे। अगर कटी हुई नाक है तो किसी उसी उम्र के दूसरे व्यक्ति के नाक पर रख के एक आकार काट लेते थे, और फिर उसको गाल पर रख के उस आकार का मांस निकाल के फिर नाक पर उसको लगाते थे। तो नाक पर उस गाल से खाल जो ली गई होती थी उसको लगाने के बाद विभिन्न प्रकार के लेप लगाकर उसको कॉटन या रुई लगा के उसको अच्छी तरह से चिपका दिया जाता था, और वो उसको कुछ दिनों तक वैसे ही चिपका छोड़ देते थे। एक सर्जन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उनके टूल्स। सुश्रुत ने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया था। उन 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 101 यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, और बाकी बचे 20 थे शस्त्र यानी शार्प एजेस वाले ऐसे टूल्स जो चीजों को काटने के लिए यूज किए जाते थे। और सबसे मजेदार बात पता है, सुश्रुत के ये सभी टूल्स ना नेचर से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि काकामुखा यंत्र की इंस्पिरेशन थे कौवे, सिंहमुखा यंत्र को शेर की मुंह जैसा बनाया गया, और कंकामुखा यंत्र को बगुले की चोंच जैसा। प्राचीन काल में भी भारत में जो शल्य चिकित्सा थी वो बिल्कुल आधुनिक और वैज्ञानिक थी, और उसका उत्तरोत्तर विकास ही होता चला गया। बनारस में अपने छोटे से कमरे में बैठे सुश्रुत ने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उनके किए गए इन्वेंशंस प्लास्टिक सर्जरी जैसी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री का रूप लेंगे।